पाप का तांडव फिर से उठा, जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता, देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। बादल है पर ये गरजे तो कापे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। इस दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं। आप उनमें से किसी को भी वो अंगूठी दे दीजिए। अभी अंगूठी अपने पास रखो, सही वक्त आने पर मैं तुमसे अंगूठी वापस ले लूंगा। सर, हम लोग ये कहने आए थे कि डुप्लीकेट जूनियर जी से निपटने के लिए आपको कुछ हेल्प की जरूरत हो तो हम सब तैयार है। सीधे अपने अपने घर जाइए और जब तक ये मुसीबत टल ना जाए बाहर मत निकलना। सिर्फ जूनियर जी बनकर सोचो गौरव, तुम्हें सही रास्ता दिखाई देगा। शैली, मैं तुमसे कह कहकर थक गया हूँ कि तुम मुझे तंग मत करो, सरकार को अपना काम करने दो। वहाँ कुछ अजीब से निशान है। तो ये जूनियर जी के पैरों के निशान है। डुप्लीकेट जूनियर जी। मेरे ख्याल से और आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। राहुल, खतरे में तो वहाँ हमने तभी फंसा लिया था जब हम लोग ये डुप्लीकेट जूनियर जी को ढूंढने निकले थे। तुम लोग कहाँ गए थे? वही डुप्लीकेट जूनियर जी को ढूंढने के लिए। पैरों के निशान दिखे नहीं कि सब के सब चल दिए जूनियर जी के पीछे। गौरव, हम लोग मुसीबत में फंस गए हैं गौरव। और अब आगे। शैली, मुसीबत में हो। बचाओ गौरव। हाँ शैली, बोलो। गौरव, गौरव। हे भगवान, शैली मुसीबत में है। शैली मुसीबत में है। सिर्फ शैली ही नहीं, मोंटी और टीना भी मुसीबत में हैं। प्रोफेसर बर्नांडो, आप और उनकी इस मुसीबत के जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। मैं क्यों? वो इसलिए कि समय रहते हुए भी तुमने उस डुप्लीकेट जूनियर जी का मुकाबला नहीं किया, बल्कि तुमने कुछ भी नहीं किया, और इसलिए उन तीनों को उसकी तलाश में जाना पड़ा। बनांडो, मैंने उन सबको रोकने की बहुत कोशिश की। जरूर की थी गौरव, तुम शायद ये भूल रहे हो कि तुमने खुद ही शैली को अपनी शक्तियों का कुछ हिस्सा दिया था, और जब डुप्लीकेट जूनियर जी जैसी शक्ति सामने हो तो वो हाथ पे हाथ रख के कैसे बैठती। और आश्चर्य की बात तो ये है कि जिससे उसने प्रेरणा ली वो खुद ही लाचारों की तरह खड़ा है। गौरव, अगर अब भी तुमने कोई एक्शन न लिया तो ना सिर्फ तुम्हारे तीनों दोस्त अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, बल्कि जूनियर जी का नाम भी हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा।
लोग इस नाम पर थूकेंगे और ये नाम हमेशा हमेशा के लिए घृणा और नफरत का पात्र बन जाएगा। जागो गौरव, अब भी वक्त है गौरव, जागो। आप ठीक कह रहे हैं, मैं अभी जाकर उस शैतान से निपटता हूं। प्रोफेसर बनांडो, मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। हेलो, मेजर राजपूत, मैं पुलिस कमिश्नर सिंह बोल रहा हूँ। मुझे पता चला है जूनियर जी नेशनल पार्क के जंगल में कहीं मौजूद है। आप पूरी फोर्स के साथ वहाँ पहुँच जाइए। ऑल द बेस्ट। हेलो, हाँ डीसीपी मल्होत्रा, मैं सिंह बोल रहा हूँ। सुनो मल्होत्रा, तुम्हारे पास इस वक्त जितनी पुलिस फोर्स अवेलेबल है उसे लेकर नेशनल पार्क के जंगल में पहुँच जाओ। हाँ सुनो, हाँ हाँ आर्मी वहीं आ रही है। ओके, आंटी रुकिए, मैं असली जूनियर जी हूँ, मैं नकली जूनियर जी नहीं हूँ। अरे अंकल, आंटी रुकिए, अंकल रुकिए, सुनिए मेरी बातें, सुनिए आंटी मेरी बातें, सुनिए, मैं असली जूनियर जी हूँ, अब डरिए मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। अंकल रुकिए, रुकिए रुकिए ये लोग क्यों नहीं समझते कि मैं असली जूनियर जी हूं। अरे तुम तो इस प्रकृति के बंजारे हो, तुम सारे आकाश में बेरोक टोक घूमते हो। तुम्हें कुछ पता है कि वो नकली जूनियर जी इस समय कहाँ होगा? वो पूर्व दिशा की ओर जो जंगल है वो वहीं पर है। शुक्र है कम से कम तुम तो असली और नकली में फर्क पहचानते हो, वरना इंसान तो असली और नकली जूनियर जी में फर्क ही नहीं पहचानते। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बाय। बेस्ट ऑफ लक जूनियर जी। थैंक यू। हे भगवान, जूनियर जी की रक्षा करना। Position! Fire! Hey,
स्टॉप फायरिंग। अरे मॉन्टी उठो मॉन्टी। अरे टीना उठो टीना। तो तू आ गया। हाँ मैं आ गया। मुझे तेरा ही इंतजार था। मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई अपने मौत का इंतजार कर रहा है। मौत, तू मेरी मौत बनेगा। अरे खुद को देख और मुझे देख। मुझे तो लगता है तुझे मेरे पांव छूने के लिए भी किसी स्टूल पर खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा तो ले, अब देख। तुझे क्या लगता है कि तू अपना कद बढ़ाकर मुझसे जीत जाएगा? तुझे हराने के लिए मुझे अपना कद बढ़ाने की जरूरत नहीं थी। ये तो मैंने सिर्फ तेरा घमंड तोड़ने के लिए किया है। तू तो मेरा घमंड बाद में तोड़ेगा। पहले मैं तेरी जिंदगी की तोड़ तोड़ दूंगा। लड़ाई जीतने के लिए बड़ी बड़ी बातों की नहीं बल्कि ताकत और हिम्मत की जरूरत होती है। और बुराई की ताकत कभी भी अच्छाई की ताकत से ज्यादा नहीं हो सकती। तुझे मेरी ताकत देखनी है? आ, अभी दिखाता हूँ। वाह वाह वाह, हमारा मुहूर्त क्या अच्छी चाल चल रहा है। वाह, फ्यूमांचो। क्यों ना हो, आखिर बनाया किसने है? ग्रेट फ्यूमांचो ने। ऊंट को पहाड़ के नीचे आते तो सुना था, मगर आज पहाड़ी पहाड़ के नीचे आ गया। होगा तेरा अच्छा, होगा तेरा अच्छा होगा। चिंकारा फ्यूमांचो। अगर इससे छुटना है तो बेहोश होने का नाटक करना होगा। हाँ अब मैं तेरी जिंदगी खत्म कर दूंगा। तुझे क्या लगता है ये रस्सी मुझे बांधकर रख पाएगी? ये देख। जूनियर जी अब देख। Ha 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 ha
बड़ी या भैंस? अच्छा अब देख। जी देव देवी तू क्या हो रहा है? हमारा मोहरा कमजोर पड़ रहा है गेट में मांचो। इडियट कदा इसकी शक्ति कहां गई? फ्यू मांचो गेट में मांचो। मुझे लगता है इसे आपकी मदद की जरूरत है। हाँ, उसे मैं अपनी मदद पहुंचाता हूँ, अपनी शक्तियां भिजवाता हूँ। चिंकारा क्यों, अकल बड़ी या भैंस? अकल तो हमेशा ही बड़ी होती है। नमूना देखना है तो देख। जी जैम जैमी बूम। मुझे बचाओ जूनियर जी, मुझे मत मारो, नहीं मारो मुझे, नहीं। घबराओ मत, ये मैं हूँ असली जूनियर जी। जूनियर जी अब तो कहाँ थे? हाँ, वो नकली जूनियर जी मर गया क्या? किसने मरा बोलो ना, किसने मरा? अरे अरे ये सब बाद में बताऊंगा, अब हम यहाँ से निकलते हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है। अपने अपने हाथ आगे करो। जी जैम जैमी बूम। किस मिट्टी का बना है जूनियर जी, किस मिट्टी का बना है? कोई बात नहीं, इसका तो मैं पता लगाऊंगा ही, लेकिन बोनापार्ट इसको सब पता था, हमको दगा दिया, हमारे साथ गद्दारी। नहीं छोड़ूंगा इसे, नहीं छोड़ूंगा। पहले मैं जूनियर जी का पता लगाऊंगा, उसका मैं वो हाल करूंगा कि सात पुश्तों तक याद रखेगा। जूनियर जी खबरदार। ये
क्या कर रहा है तू? बेटा मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि घर का काम करने की तुझे जरूरत नहीं है। ला छोड़, छोड़िए कपड़ा। नहीं छोड़, मैं कहता हूँ दुनिया सुधर जाएगी लेकिन तेरी चाची नहीं सुधरेगी। नहीं चाचा जी, ये सफाई करने के लिए मुझे चाची जी ने नहीं कहा, ये तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। अपनी मर्जी से? मगर क्यों बेटे, ये काम तेरा थोड़ी है। चाचा जी शायद आप भूल गए कि आज दिवाली का दिन है और इस दिन पूरे घर की सफाई करना हर एक के लिए जरूरी होता है। मैंने अपना कमरा साफ कर दिया, सोचा आपका भी कमरा साफ कर दूं। तो बहुत अच्छा है बेटे, ला मैं भी तेरी हेल्प करता हूँ, चल। नहीं नहीं बस हुई क्या, आपकी टेबल बाकी है, हो जाएगी। और ब्लेस यू बेटे। चाचा जी ये क्या है? क्या है? ये एनवलप वहां था है? इस पर आपका नाम भी लिखा है और इस पर सील भी लगी हुई है, लगता है आपने इसे पढ़ा नहीं। सील लिफाफा? अरे तो मॉडर्न स्कूल से आया है। अरे शांति, शांति, मॉडर्न स्कूल से आया बेटे, पंचगनी से। अरे आ रही हूँ, क्यों चिल्लाते रहते हो, क्या बात है? ये लिफाफा तुम्हारे सामने आया था? अरे ये लिफाफा, ये तो 2-3 दिन पहले आया था कुरियर से, मैं बताना ही भूल गई। बताना भूल गई? इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है और आप बताना भूल जाती है। अरे इसमें इतना एठने वाली क्या बात है, हैं? अरे 100 बातें इंसान भूल जाता है, कोई एक ही काम थोड़ी ना होता है। क्या इसीलिए बुलाया था? हाँ इसीलिए बुलाया था, तुमसे तो बात करना भी मुहाल है, जाओ तुम। जा रही हूँ, मुझे अभी यहाँ पर बैठने का कोई शौक नहीं है। चाचा जी इसमें क्या लिखा है? अब ना होगा जुल्म, ना होगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है, अब भर गई जुर्म की गागर जी, थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी।